सर जी का तो हम वेलकम करेंगे। सबसे पहले हम थैंक यू कहेंगे धर्मेश जी को और पुनीत को। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां यार, कमाल कर दिया धर्मेश। पुनीत आइए, मुझे सर जी बैठिए। सर जी, अब इसको कहते हैं स्टुपेंडो फैंटास्टिकली फैंटास्मगोरिकली मैजिकल परफॉर्मर। मुदस्सर जी, यार क्या किया इस लड़के ने, चलेगी शबीली और हाय रब्बा, कहाँ हड्डियाँ डोनेट करके आए हम, ना घुटने की हड्डी ना छाती, कुछ है ही नहीं भैया। नहीं वो क्या है ना, ये गाना फिल्म में जब मैंने किया था ना सलमान सर के लिए, तो तभी पहले से ही उनको देख के हड्डियाँ टूट जाती है। क्या बात है यार, सलमान खान, सलमान खान जिससे पूरा बॉलीवुड डरता है, लेकिन वो किसके इशारों पे नाचता है, मुदस्सर खान के। क्या बात है। अच्छा मुदस्सर, मेरे इशारे पे नहीं, मैं उनके इशारे पे डांस करता हूँ, वो कोरियोग्राफर भी है मतलब बहुत। चलो यार इतना भी क्या डर, कभी कभी नहीं देखते टेलीकास्ट वो। डर नहीं, सही सही बोल रहा हूँ। मुदस्सर जी, आप कभी ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हो और पुलिस आ जाती है तो उसे पकड़ लेते हैं, स्कूल से फुट के क्या कर रहा है, ऐसा कभी बोला किसी ने? नहीं, मैं और वो एक बार एक मूवी देखने गए थे। वो है कोई, मतलब वो है कोई मेरी दोस्त है। चिंटू क्या बात है यार, मतलब इतना काम कर चुकी हूँ इनके साथ, आज आपने सच उगलवा दिया। बस मैं कह रहा हूँ ना, सब 102 हो रहे हैं। मैं समझ गई। बताइए क्या हुआ था। वो थिएटर में मूवी देखने गए थे, तो ये जो है मेरा ये ना, ये मैं नहीं पहले नहीं रखता था, पूरा क्लीन रखता था, तो उस दिन बाल बाल कटा के एकदम मस्त चिकना बन के गया था। तो थिएटर में वो बोला, टॉर्च मारा, बोला व्हाट इज योर एज, मैंने बोला 25, और फिर मैं बैठ गया, तो आजू बाजू वाले सब देख लिए ऐसा, और बाजू में वो भी है, तो मतलब समझ जाओ ना, तो पूरी इज्जत की वाट लग गई मतलब। सर जी एक बात बताओ, ऐसी कौन सी फिल्म थी जिस पर पुलिस आके एज पूछ रही थी? बताइए कौन सी फिल्म थी। अरे होता ना, अभी बहुत एक्शन रहता है ज्यादा पिक्चर में, तो बोलते ना कौन सी, रोहित शेट्टी की। उतना क्या लड़का। धर्मेश और पुनीत के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू धर्मेश भाई, थैंक यू यार, बुलाएंगे तुम लोग को भी शो में, ऐसे बीच बीच में क्यों आते हो, अलग से बुलाएंगे। ग्रेट ग्रैंड सैल्यूट। ग्रेट तो था। आइस कोई शक, मैं बता रहा हूं कि मैं मिथुन बना हूं, वरना मैं अपना मामा गोविंदा ज्यादा लग रहा हूं। क्या बात, मैं ग्रेट ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, आपको तो नीचे से। क्या बात, क्या बात। मैंने सोचा यहां पर बेटा है आइस, यहां पे मां है आइस, तो फिर दादा भी होना चाहिए आइस। मैं मुदस्सर तुझसे और गीता से बहुत नाराज हूं। क्यों दादा? जिंदगी भर ग्रैंड सैल्यूट कर करके तुम लोगों को स्टार बनाया। थैंक यू दादा। और उसके बाद दादा इंटरव्यू देने के लिए इतने बड़े शो में अकेले चले आए। क्यों क्यों दादा, आप चाबी ज्यादा भर के आएंगे सुबह में? ग्रैंड सैल्यूट दूंगा, बदतमीजी नहीं करना। दादा के साथ सलमान के इतने गाने करता है कोई शक। ये सलमान के इतने अच्छे गाने करता है, ये वाकई अच्छा कोरियोग्राफर है या तेरा कनेक्शन अच्छा है? दादा जल्दी बता। डांस कनेक्शन, डांस कनेक्शन, डांस कनेक्शन। दादा आप आइश कर रहे हैं, आप मिर्ची खा के आए? ये मेरा स्टाइल है, आइश कोई शक। क्या हुआ ए दरियाई गेंडे, क्या हुआ कोई शक? शक हुआ कोई शक।
नहीं 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 नहीं, कोई शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये थूक आपका ही गिरा है। समुद्री गेंडे हैं? ज्यादा बकवास नहीं करना, ऐसा ग्रैंड सैल्यूट निकाल के मारूंगा। नहीं नहीं कोई शक नहीं, फिर से थूक आपका ही है। ये बार बार आयुष क्यों कर रहे हैं दादा आप? ये मेरा स्टाइल है। तुम लोग को बताता हूँ, पहले मैं सही बोलता था, एकदम नॉर्मल। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? मैं हूँ मिथुन चक्रवर्ती। मुझे बहुत, मैं ऐसे सड़क के ऊपर चल रहा था, गीता वहां से आई, उसने मेरे पाँव पे पाँव दिया, मेरा आइस निकला, इतनी भारी थी, तब से अब तक दुख रहा है, आइस। मिथुन दा, आपका नाम मिथुन है, राशि आपकी कर्क है, ऐसा क्यों? ए, कर्क रोग के गेंडे। बकवास नहीं करना। मुदस्सर मेरा भाई है, बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जिस लेवल पे आज ये है, दिन रात मेहनत करके, उस लेवल पे कोई भी नहीं है। बेटा एक बात बता दूं, 1000 के लेवल के बाद कोई खट्टी कैंडी नहीं मिलती। ये मेरे को मीमो ने बताया। बैठ जा गीतू जी, तुम्हारे लिए एक डायलॉग है गीतू। ओह नो। बुझी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती, बुझी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती है, और गीता की जवानी कभी ढल नहीं सकती। ये ग्रैंड सैल्यूट मैं बच्चों को नहीं, इसको देता था, इसने कभी इशारा समझा ही नहीं। मैं तो इसको शूटिंग पे बताता था कि ऊपर मेरा ग्रीन रूम है, आ जा। ऊपर मेरा ग्रीन रूम है, आ जा कॉफी पीते हैं, लेकिन कभी समझा ही नहीं, कोई शक। आज कोई शक नहीं रहा दादा, थैंक यू सो मच बताने के लिए। मजा। अरे बस कोई शक, कंटिन्यू सर। दादा कंटिन्यू, ऊपर चलते हैं, छोड़ो, लोग देख रहे हैं। मैं जानता हूँ ये फैमिली शो, यहाँ फैमिली नहीं बनानी। ओके। क्या बच्चे लोग क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? उदास सर मेरा सबसे प्यारा बच्चा, कोई शक। इसके लिए मैं एक ही चीज देना चाहूंगा, ग्रैंड सैल्यूट। Oh,